यह कार्यक्रम भारतीय फंतासी एवं लोक कथाओं से प्रेरित है। दर्शक सदस्यों को सलाह दी जाती है कि इस कार्यक्रम का आनंद केवल एक काल्पनिक रचना के तौर पर ही लें, जो कि वास्तविकता पर आधारित नहीं है। समाज को पीड़ित करने वाली सामाजिक बुराइयों व अंधविश्वासों को ये नेटवर्क मान्यता नहीं देता तथा इनकी कड़ाई से निंदा करता है। डबल मदर, क्या हुआ तुम्हारी माँ को? वो मैं आपको नहीं बता सकता। मैं सिर्फ इतना बता सकता कि मेरी माँ को सिर्फ एक दैविक ठीक कर सकती है, और वो दैविक भी है। मुखिया जी, क्या बोल रहा है? हमारा तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं आपको साफ साफ ही बता रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं समझा सकता। समझा नहीं सकते? या समझाने के लिए तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं? मुझे तो लगता है ये अपनी फालतू बातों में हमको उलझा रहा है। मुखिया जी, सरपंच जी, जो इसने कहना है वो कह लिया इसने, अब जो हम करने आए हैं वो आप करिए। चलो उठाओ पिया को, आ जाओ। एक मिनट। सरपंच जी, अंश ने जो भी कहा है वो सच है। सच और झूठ का फैसला तो तब होगा जब हमें कुछ समझ में आएगा। आपसे कहा ना, इस बारे में हम आपको खुलकर नहीं समझा सकते। काहे नहीं समझा सकते? ऐसा कहा है जो जो हमें समझ में नहीं आएगा? अगर इसकी माँ बीमार है तो बीमारी का कोनो नाम भी तो होगा ना। मेरी माँ बीमार नहीं है। वो पत्थर बन गई है। ये कैसा मजाक है? हम सब आपको बेवकूफ नजर आते हैं क्या? देखिए, ये मजाक नहीं है, अंश सच कह रहा है। क्या बात कर रहे हैं? एक पुलिस वाला होने के बावजूद इतनी बेतुकी बात को सच साबित करने पर तुले हैं। और चलिए माना हमने कि आपकी माताजी पत्थर की बन गई, लेकिन इस बात से हमारी गांव की बेटी का क्या लेना देना? चूंकि पिया एक दैविक है। और एक दैविक का स्पर्श मेरी माँ की पत्थर की मूरत को इंसान बना सकता है। ऐसा है तो आप अपनी माँ को लेकर आइए ना, हम भी तो देखें वो पत्थर की कैसे हो गई हैं। आप सब सच बोल रहे हैं या नाटक कर रहे हैं? अगर इन्होंने वेदस्य को पत्थर बने देख लिया और पिया के छूने से वेदस्य ठीक हो गई, तो ये साबित हो जाएगा पिया एक दैविक है, और फिर ये लोग पिया को कहीं नहीं जाने देंगे। नहीं नहीं, मैं इस लड़की को यहाँ नहीं रहने दे सकती। अरे आप लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारी वेदश्री भाभी पत्थर बन चुकी है। सिर्फ पिया ही ठीक कर सकती है, क्योंकि क्योंकि पिया एक दैविक है। अरे कभी पत्थर कभी दैविक, ये का तमाशा लगा रखा है आपने? आप हमारी पिया को हमारे साथ भेजो। देखिए सरपंच जी, मैं जानता हूँ कि आपको ये बात सुनने में अटपटी लग रही होगी, लेकिन सच्चाई यही है, मेरी पत्नी वेदश्री पत्थर की बन गई है, और अब एक दैविक ही उसे ठीक कर सकती है, और पिया वो दैविक है। अगर एक दैविक वेदश्री के कपड़े छू ले तो वो वापस मूर्ति से इंसान बन जाएगी। गुरु माँ ने भी कहा था पिया दैविक है। सरपंच जी, ये सब के सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये लोग हमारी पिया को हमसे छीनना चाहते हैं, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम कह दे रहे हैं हम अपनी पिया को यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे। आप बुलाइए।
हाँ हाँ उनको लेके आइए, तभी तो मालूम पड़ेगा कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ। क्यों भाई लोग? ठीक है, भाभी को देखने के बाद ही अगर आप लोगों को हमारी बात पर विश्वास होगा तो हम भाभी को लेकर आते हैं। चलिए भैया। मैं वेदश्री को ठीक नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस वक्त दैविक और वेदश्री के बीच संपर्क बना के वेदश्री को ठीक करना जरूरी था। अब ये लोग कभी साबित नहीं कर पाएंगे कि अंश पिया को वेदश्री के लिए लाया था। भाभी, भाभी आप ठीक हो गए? बिना हम बहुत अकेले पड़ गए थे जी। लेकिन भाभी, भाभी ये चमत्कार हुआ कैसे? पता नहीं, अचानक ऐसे लगा कि मेरे अंदर किसी ने जान डाल दी हो। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूं मैं मां। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूं मैं मां। तुझे सब है पता है ना मां, तुझे सब है पता। ठीक है ना मां, अगर आइंदा मुझसे दूर चली गई बहुत नाराज हो जाऊंगा। मैं पता कट नहीं था। एक दैविक का जन्म डायन का विनाश करने के लिए होता है, और वो दैविक मेरी पिया है। वाह, झूठ पे पर्दा डालना तो कोई आप लोगों से सीखे। अभी थोड़े देर पहले ये पत्थर की थी, और जैसे ही देखने की बात हुई ठीक हो गई। देखिए, बेटा ही नहीं माँ भी, बल्कि पूरी की पूरी फैमिली टोटल फ्रॉड है। इनफ। तुझे जो कहना मुझे कह, खबरदार अगर मेरी माँ या मेरे परिवार को कुछ भी कहता। मेरी माँ इसलिए ठीक हुई है क्योंकि दैविक के कदम इस घर में पड़ चुके हैं। हो गई ना तुम्हारी अम्मा ठीक, तो अब हम अपनी पिया को यहां से ले जा रहे हैं। पिया, पिया आंखें खोलो पिया। ये देखो हम आ गए। तुम पिया को नहीं ले जा सकते। अरे हाँ छोड़ो हमारा। पिया, पिया आंखें खोलो पिया, पिया।